स्मार्ट वॉच पहनना आजकल आम है। ज्यादातर लोगों की कलाई पर स्मार्ट वॉच दिखाई देती है, लेकिन अलीगढ़ कारागार में काम करने वाले अधिकारियों समेत वहां आने वाले लोगों के लिए ऐसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिला कारागार में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पर बैन लगा दिया गया है। बता दें कि पहले ये प्रतिबंध केवल बाहरी आगंतुकों के लिए था, लेकिन अब कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसका पालन करना होगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट ब्रिजेंद्र सिंह यादव ने इस संबंध में जानकारी दी है। जाने उन्होंने क्या कहा। इस प्रकार के एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गजट स्मार्ट वॉचेस की कारागार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको बैन किया गया है, जो शासकीय और अशासकीय दोनों व्यक्तियों पर लागू होगी। पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था मुलाकातियों के लिए लागू की गई थी, परंतु अब यह स्टाफ के लिए भी लागू है, क्योंकि कारागार में मोबाइल फ़ोन जो है पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है कारागार स्टाफ के लिए भी। इसके निमित्त जो है एक शासकीय एरिया है, उसके बाहर जो है किसी भी प्रकार की चीज़ों को ले जाना अनुमन्य नहीं है। उसी के निमित्त जो है ये स्मार्ट वॉच और इससे संबंधित जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहते हैं। इसी के निमित्त कारागार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार का परिपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुक्रम में स्टाफ को सूचित करने के लिए इस प्रकार का नोटिस लगाया गया और इसका समय पालन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये नियम जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही गई है।